एक तरफ जहां इजरायली सेना लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में घुस चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि वो इजरायल से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि हिजबुल्ला के साथ पूर्ण युद्ध को लेकर आईडीएफ का कहना है कि वो एक सीमित ऑपरेशन के तहत लेबनान में घुसी है। उसका मकसद ब्लू लाइन के पास बने हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों को तबाह करना है, जिससे इजरायली सेटलर्स दोबारा अपने घरों में लौट पाएं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी यही कहना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इजरायल के ऑपरेशन में तेजी से काफी चिंतित है। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला ने आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने शतुला सेटलमेंट्स के प्रवेश द्वार पर आईडीएफ के ऊपर भारी गोला बारूद से हमला किया। आपको बता दें कि जैसे ही 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 की आधी रात को इजरायली फौज लेबनान में घुसने लगी, वैसे ही हिजबुल्ला ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने आधी रात को ओडेसे और कफार किला शहरों के सामने आईडीएफ के काफिले पर बमबारी की है। वहीं लेबनानी मीडिया अल मयादीन ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इजरायल के अल जलील के मिसगव आम में हवाई हमलों के सायरन सुने गए, जहां पर हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर किए थे। वहीं इसराइली न्यूज एजेंसी वाला ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मिसगव आम की तरफ मिसाइलें दागी गयी। ये इलाका मिलिट्री जोन के करीब है। इजरायली न्यूज एजेंसी मारीव के मुताबिक करीब 35 रॉकेट लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल पर दागे गए। ये रॉकेट आधी रात के करीब 40 मिनट बाद फायर हुए। वहीं हिजबुल्ला के मुताबिक रात करीब 1:50 पर उसने साध साइट पर आईडीएफ की पैदल यूनिट पर बमबारी की। नकोरा बेस पर फादी 2 रॉकेट का एक पूरा जत्था फायर किया। इसके बाद सफाद में भी रॉकेटों का जत्था दागा गया। इसके तुरंत बाद गेशेर हाजीफ सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया गया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने सार सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का जत्था फायर किया है। इसके अलावा काबरी सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने जमकर गोलाबारी की और इस हमले के ठीक बाद कफार गिलादी सेटलमेंट पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाई गयी और भोर के करीब 3:35 पर बेथसाइडा में आईडीएफ के जमावड़े वाली जगह पर रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया गया और इसके बाद हाइफा के कई सेटलमेंट्स पर हिजबुल्ला ने फादी 1 रॉकेट बरसा दिए।